और मार्च करके हमने हमारी जो महिला संगठन है यहाँ पहुंची है। हम अपनी बात रखें शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, और कलेक्टर को वेट करना चाहिए। आज की तारीख में मैं महसूस करता हूँ विकास के किसी भी काम में हिस्सेदारी को छोड़ करके कलेक्टर साहब को यहाँ मौजूद होना था। क्या कुछ मांगे हैं आप? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी में बढ़ते अपराधी मामलों और फुलवाड़ी शरीफ में हुए दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में अब लोग सड़क पर उतरते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो भाकपा माले फुलवाड़ी में हुए उस दुष्कर्म कांड को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं और तमाम जितने भी उनको सुविधा मुहैया कराए जाने हैं उन मांगों को लेकर भी यहां पे एकत्रित होकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन करने की भी बात भाकपा माले के विधायक द्वारा कहा जा रहा है। दरअसल सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पटना का जिलाधिकारी कार्यालय है, वहाँ पे भाकपा माले के समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार के संग संग कई ऐसे भी वहाँ के लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और तमाम सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है वो बीच सड़क पर बैठ गई हैं और जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते उन मांगों को लेकर नजर आ रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं बीते 9 जनवरी को फुलवाड़ी शरीफ में ये बड़ा दुष्कर्म का मामला आया था, जिसमें कि बताया गया कि दो बच्चियों के साथ 1-8 साल और 1-10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उनके 1-8 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। और तो जाहिर सी बात है बीते 9 जनवरी को ये पूरी घटना हुई थी। वहीं पे अगर बात करें तो उसी मामले को लेकर अब भाकपा माले उसके समर्थन में उतरे हैं और तमाम जितने भी मांगे हैं उनकी, या फिर बात करें हम तो आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में, वहीं मुआवजे की मांग को लेकर यहां पे एकत्रित हुए हैं और लगातार यहां पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं फुलवाड़ी शरीफ मामले में अभी भी आरोपी फरार है और वहीं एक पीड़ित का इलाज पटना के एम्स में कराया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं भाकपा माले के विधायक, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। इस घटना हृदय विदारक घटना है, साथ साथ पुलिस प्रशासन का जो अब तक रोल है ये भी काफी शर्मनाक है। प्रशासन की तरफ से उस 8 साल की बच्ची की मौत के बाद उसकी मां जो विधवा है, जो विकलांग है, उससे प्रशासन पूछता है कि किसने बलात्कार किया, ये जिम्मेदारी उसकी है। आप कौन पुलिस प्रशासन में है? सुराग से तह तक पहुंच के आप अपराधी को खींच के निकाल के दिन के उजाले में डाक बंगला चौक पर उजागर करेंगे कि यही अपराधी है, यही पुलिस का काम है, तभी आप सफल है, तभी आपका विभाग सफल है। क्या कुछ मांग है? अगर नहीं होती है गिरफ्तारी बहुत जल्द तो क्या करेंगे आगे की? गिरफ्तारी नहीं, आगे ये देखते हैं आप। आज हमारा प्रदर्शन था, धरना था, और मार्च करके हमने हमारी जो महिला संगठन है यहाँ पहुंची है। हम अपनी बात रखें शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, और कलेक्टर को वेट करना चाहिए। आज की तारीख में मैं महसूस करता हूँ विकास के किसी भी काम में हिस्सेदारी को छोड़ करके कलेक्टर साहब को यहाँ मौजूद होना था। क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि तुरंत अविलंब अपराधी की शिनाख्त करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की कार्रवाई करे और सरकार से सिफारिश करे न्यायालय से स्पीडी ट्रायल के जरिए इसका समाधान हो, ताकि जनता को भरोसा हो कानून पर और प्रशासन पर। बढ़ते अपराध पर बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए और ये एक चुनौती है। और मैं समझता हूँ बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए ही ये प्रशासन के लोग, इसकी हिम्मत कैसी होती, ये बेचारी गई अपना प्रशासन को रिपोर्ट देने के लिए कि मेरी बच्ची गायब है, खदेड़ क्यों दिया गया, कम से कम एक सनाह नोट करके इन्वेस्टिगेशन शुरू क्यों नहीं हुई, तत्काल राउंड क्यों नहीं दिया गया। आज भी वो दहशत के छाए में जीते हैं, वो मासूम बच्ची 5 साल का, उसका बलात्कार होता है, आप समझिए
ये जो जिंदगी और मौत से अभी भी जूझ रही, वो अपनी बातें रख नहीं सकती, बोल नहीं सकती है, इसलिए वो हालात पैदा हो उसका भी डॉक्टर लोगों से हम लोगों ने बात की। डॉक्टर लोगों ने कहा कि सर जो इलाज हम लोगों से हो रहा है हो रहा है, लेकिन जो हायर इलाज होना चाहिए उसके लिए जो समुचित वाजिब पैसा होना चाहिए, पैसा से सरकार मदद करे। और जिसकी बच्ची मर गई उसका एक मासूम बेटा है, उस बेटा का पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो, सरकारी हॉस्टल में रखे और साथ साथ उसको जो है एक मुआवजा दे। कम से कम हमारी पार्टी का मांग है उसको 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, 15 लाख का मुआवजा जो इलाजरत बच्ची को दिया जाए। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हमारी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से इस निर्मम घटना के बाद पुलिस की तहकीकात लगातार जारी है, बावजूद इसके अभी भी आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, तो जाहिर सी बात है अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार भाकपा माले का ये आंदोलन पीड़ितों के समर्थन में कहां तक जाता है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन द्वारा इस मामले में की जाती है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।